हैदराबाद के जियागुड़ा क्षेत्र के एमसीएच कॉलोनी में रोड अधिग्रहण करने का मामला सामने आया है। कॉलोनी के निवासियों की शिकायत है कि भवन और हॉल बनाने के क्रम में कॉलोनी के रोड को भी अधिग्रहित कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते दिनों इस भवन और हॉल का निर्माण का उद्घाटन केटीआर ने किया था। निवासियों ने द न्यूज इंडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी मांग है कि सरकार का कोई अधिकारी आकर इस मामले को सुलझाए। उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि इसके निर्माण से बच्चों के साथ साथ सभी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रोड है ऑलरेडी 33 फीट की रोड है, तो उसको छोड़ के 3 फीट की गली छोड़ के बना शट डाल रहे, पूरा आने जाने वालों को परेशान है। हम लोग उतनी गली में से छोटे बच्चे आना जाना कैसा चलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लोग क्या कर रहे क्या नहीं, जो रोड है हमारी रोड उतना छोड़ के जो शट करना है जो काम करना है करो बोल के हम लोग बोल रहे, लेकिन ये लोग सुन रहे नहीं कर रहे नहीं, कौन मनमानी चल रहा है यहाँ पे। सब मुकामी कारपोरेटर को बताया यहाँ का ऐसा, यहाँ का सब कारपोरेटर वाले को सब बताए, उन्होंने पहले आ रहा था तोड़ने से पहले, अब तो दिख रहा भी नहीं उन्होंने यहाँ पे। निमित्र कृष्णा, ये काम चालू एक बार नहीं आया, नहीं काम चालू बोले तो तोड़ने तक के हिसाब से आया, ये काम चालू जब जैसा ये कर रहे तब से तो अभी तक नहीं दिखा उन्होंने। आप क्या चाह रहे आप लोग? हम लोग हमारा जो मकान है वहाँ से जो रोड ऑलरेडी पहले से जो रोड है वो रोड 33 फीट की छोड़ के बनाओ शट डाल लो बोल के बोल रहे हम लोग। हैदराबाद से मोहम्मद हमीद की रिपोर्ट।